करना परमेश्वर, हमारी जो हालात होते हैं वो बदलते हैं परमेश्वर। आपके नाम में वो सामर्थ है जो हमारे हालात को हिला सकती है परमेश्वर, जो हमारे बिगड़े हुए राह को सही मार्ग दिखा सकती है परमेश्वर। आपके नाम में वो सामर्थ है जो हमें, हम जैसे लोगों को उद्धार की ओर लेकर जा सकती है, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश होने का हिस्सा दे सकती है। हमारा श्रोता, हमारी दाखलता, हमारी जड़ वही से, हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारा सुख, हमारे हर चीज उस सोते से आ रही है। हालेलुया। हमें विश्वास है प्रभु स्वर्ग को खोलने वाला है, हमें विश्वास है कि परमेश्वर बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकता है, बट वो विश्वास मरा हुआ है जब तक हमारे जीवन में कर्म नहीं है। हमें पता है, वचन पता है कि परमेश्वर अपनी बहुतायत से हमारी हर एक कमी को पूरा कर सकता है, पर वो विश्वास मरा हुआ है अगर उसमें कर्म मिक्स नहीं है। अलौकिक सामर्थ्य और वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया आज हमारे बीच में मौजूद हो। आज आपके नाशवान देहों को उठाने के लिए प्रभु का आत्मा मौजूद है। इसका बच्चा छीन लिया तूने, और साथ लेके जाना था, ठीक है जीसस ने बचा लिया इसको, जीसस ने बचा लिया। कौन है तू? जिन्ने? कितने टाइम से यहाँ पे? दो साल से। क्या करने आया? खत्म करने आया। इसको खत्म करने ही लिया आया है। तुझे जाने के लिए बोलती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस फ्री। और जैसी आज इनके लिए लेहन प्रेयर हुआ, वो पेन सीपियर पूरी रीति से जा चुका है। परमेश्वर ने आज इन्हें आजाद किया है 30 सालों के सीवियर पेन। लेकिन आज जैसे इनके लिए प्रार्थना हुई, इन्होंने चेक किया, इनका वो पैरों का दर्द भी जा चुका है और वो काटने वाली चीज भी इन्हें छोड़कर जा चुकी है। पर जैसे आज प्रार्थना में आए, इन्होंने जांचा और चेक किया, प्रभु ने आज पूरी रीति से इन्हें आजाद कर दिया है। और जैसे आप जिन्हें इनके लिए प्रार्थना की, उसके बाद से इनके कंधों का और शरीर का पूरा दर्द जा चुका है। बड़े बता रहे पास्टर, जैसे आज इनके लिए प्रेयर हुई, ले हैंड हुआ, इन्होंने अनुभव किया कि कुछ इनके अंदर से निकल कर गया है, और आज परमेश्वर ने उस डिप्रेशन से इन्हें पूरी रीति से आजाद किया। 3 महीने से इन्होंने बेड लगाई थी पास्टर जी। हाँ। ये बता रहे कि आज पहली बार चर्च में आए हैं, और जैसी आप जी ने प्रार्थना की, उसके बाद से ये बेड उतर गई और सारा दर्द जा चुका है, बिल्कुल अब ये आजाद हो चुके हैं। हम सारा जलाल महिमा आपको देते हैं पिता, आपका प्रेम यीशु, आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता अब से लेकर आपके आने तक आपके धर्मी जनों के साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन।